नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज खबरदार न्यूज की विशेष प्रस्तुति में हम आपको ले चलते हैं खातेगांव विधानसभा के हृदय स्थली में, जहां राजनीतिक ऊर्जा का एक ज्वार उमड़ पड़ा है। इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी के चमकते सितारे और प्रत्याशी दीपक जोशी के समर्थन में एक राजनीतिक महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाई। विश्लेषण और उत्साह के इस चुनावी मेले में लाखों आंखों ने उम्मीदों की नई रोशनी देखी और अनगिनत दिलों में विश्वास की नई धड़कन जागी। श्रीमती गांधी की जनसभा ने न केवल खातेगांव बल्कि देवास जिले की संपूर्ण 5 विधानसभाओं के राजनीतिक परिदृश्य पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हाट पिपलिया से समाज सेवी सुनील गबली ने अपने समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि उनका समाज पूरी शक्ति और संकल्प के साथ कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है और पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प ले चुका है। खबरदार न्यूज आपके लिए लाया है इस जनसभा की विशेष झलकियां, जहां उत्साह और उम्मीद की नई किरण चुनावी आकाश में चमक उठी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जब बात राजनीतिक परिवर्तन की हो तो खबरदार न्यूज आपको रखता है सबसे आगे। आप यहां के प्रभारी भी हैं? नहीं, मैं हाटपिपलिया विधानसभा का प्रभारी हूँ। किस तरीके का रुझान मिल रहा है जनता का? नहीं, जनता का रुझान तो एक तरफ है, कांग्रेस आ रही है, अच्छा वोटों से जीतेंगे और कमलनाथ जी की सरकार बन रही है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से, और यहाँ कन्नौज खातेगांव से दीपक भैया जोशी अच्छे बोर्ड से विजय हुई है। क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुख्य मुद्दे तो ये है कि यहाँ के जो विधायक है वो निष्क्रिय रहे और यहाँ के जो अवैध काम है उनने उनके शरण में किया है, तो इसलिए जनता यहाँ की खपा है और उनने कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया यहाँ पर जो जनता उनको स्वीकार करे। देख रहा था रस्ते में आते हुए काफी गड्ढे हैं। हाँ, ये तो क्या, ये 4-5 साल से ऐसा चला आ रहा है, पर वो सक्रियता से उनको पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है और किसान पूरी तरह से नाराज है, इसलिए किसानों का रुख कांग्रेस की ओर है। और क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर? आपको लगता है कि काफी आसपास के सारे लोग सुनने के लिए आए हैं? नहीं, यहाँ नर्मदा जी है, वो नर्मदा जी का आशीर्वाद दीपक जी को मिला है और यहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया है और उनको आश्वासन दिलाया कि हम अच्छे अच्छे से वोट से आपको जिताएंगे, ये जनता का रुख है। और यहाँ की किसान जो परेशान है, इसलिए परेशान है कि यहाँ के जो विधायक है वो निष्क्रिय रहे, वो इसलिए वो जनता उनको रुख नाराज होकर उनको नकारात्मक कर रही है और दीपक जोशी को अच्छे वोट से विजय दिलाएंगे। आज आप लोग यहाँ? मैं सुनील गवली, मेरे साथ राजेश सेठ तंवर, हाटीपलिया के अध्यक्ष हैं, मतलब समाज के। आज आप लोग यहाँ सभा में आए हैं जी, और दीपक जोशी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं जी। क्या लगता है कि यहाँ पर इस बार आपकी जो अपील है वो कारगर होगी कि नहीं? हमारी अपील जो है जनता यहाँ की स्वीकार करेगी, और जनता का विरोध काफ़ी है और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे और दीपक जोशी जी 101% खातेगांव विधानसभा से अच्छी तरीके से विजय प्राप्त विजय मिले। बीच में दीपक जोशी जी का विरोध भी देखने को मिला, वो सारे के सारे जो लोग हैं सब इकट्ठे हैं कांग्रेस के? हम तो हाटीपलिया विधानसभा से हैं, ये खातेगांव विधानसभा है, हम तो समाज के हिसाब से यहाँ पे आए हैं कि भाई वोट जो इधर उधर थे उनको एडजस्ट करने के लिए। आज प्रियंका गांधी की सभा है, तो आसपास की कितनी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? ये कम से कम हरदा विधानसभा पे पड़ेगा, हमारी 5 विधानसभा पे पड़ेगा, बागली, देवास, सोनकच। क्या नाम है? सुनील गवली, अभी सेठ से। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।